से वेस्ट कतरने होते हैं, देखिए इस तरीके से छोटे साइज में। ये है मेरे पास कुछ, ये कुछ हम पाइपिंग के लिए कट करते हैं तो साइड में से बचे हुए कपड़े होते हैं इस तरीके से। इनसे बहुत ही सुंदर कारपेट बनाएंगे। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, जिस भी साइज के जिस भी शेप के आपके पास कपड़े हों, बस आपको करना क्या है, इसमें से हमें स्ट्रिप कटिंग करनी है। छोटे साइज के हों, बड़े साइज के हों, हर तरह के पीसेज इसमें आपके यूज हो जाएंगे। तो हमें अप्रॉक्सीमेट 2-2 इंच की इसमें से स्ट्रिप्स कटिंग करनी है। तो यहाँ से 2 इंच अप्रॉक्सीमेट लेते हुए मैं इसमें से इस तरीके से, देखिए ये मैंने कपड़ा कट कर लिया, साइड से इसे अलग कर दीजिए। सिंपल स्ट्रेट पट्टी मैंने कट किया 2 इंच की। बस इसी तरीके से जितनी भी आपकी निकलती हैं, कुछ छोटी निकलेंगी ये देखिए इस तरीके से, तो कुछ छोटे साइज की, कुछ बड़े साइज की, जिस भी साइज की आपकी निकलती हैं, जितनी भी कतरने हैं आपकी, इस तरीके से आप उसमें से कट कर लीजिए। ये देखिए, तो कुछ छोटे साइज की, कुछ बड़े साइज की, जिससे ये एक छोटी सी इसमें से भी निकल जाएगी हमारी। यहाँ से अप्रॉक्सीमेट 2 इंच सेम यहाँ से कट कर लिया, ये देखिए इस तरीके से। तो छोटी साइज की हो, बड़े साइज की हो, इस तरीके से कतरनों को कट कर लेंगे। ये देखिए, ये मैंने इस तरीके से कतरनों में से काफी सारी स्ट्रिप्स को कटिंग कर लिया। कुछ छोटे साइज की हैं, जिस साइज की मुझे मिली मैंने उस साइज की इस तरीके से कट कर लिया। तो चलिए हम इसे आगे बनाते, जॉइन करते रहेंगे। ये देखिए, ये ले लिया, तो आपको धागे को निकालना नहीं है, एक तरफ से हम शुरू करेंगे और सारे पीसेस एक ही बार में जोड़ देंगे। यहाँ मैंने जोड़ दिया, अब इसी को यहाँ पे घुमा लीजिए, यहाँ पे दूसरा पीस रख लीजिए। ये देखिए, अब इसको घुमा लीजिए और यहाँ पे दूसरा पीस रख लीजिए। ये मैंने जॉइन कर लिया, अब ये लिया, फिर इसको ऐसे घुमा लूंगी, यहाँ पे हम दूसरे पीस जॉइन कर लेंगे जो भी आप करना चाहते हैं। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए, तो इस तरीके से देखिए लंबी लड़ियाँ हमारी जॉइन होनी शुरू हो गई हैं। ये देखिए लंबी लड़ी मेरी बननी शुरू हो गई। बस इसी तरीके से हम इस पे सारे पीसेस, छोटे साइज के हों, बड़े साइज के हों, तो ये हमारा पूरा जॉइन हो रहा है। बस इसे यहाँ से साइड से इस तरीके से फोल्ड करके इसका एक गोला सा बना लीजिए इस तरीके से। मैंने कपड़ों का रोल रेडी कर लिया, देखिए सारे स्वाचेस जोड़ के इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, अब हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, इस तरीके से देखिए बेडशीट का मैंने कपड़ा लिया है, जो आप बेडशीट यूज ना करते हो, बेडशीट अगर आप बड़े साइज का कारपेट साइज का बनाना चाहते हैं तो आप पूरी हाफ बेडशीट ले सकते हैं, हाफ बेडशीट को हाफ करके ले सकते हैं। तो जितना बड़ा भी आप ये मैट या कारपेट बनाना चाहते हैं उतना बड़ा आपको एक बेस चाहिए। तो जितना बड़ा आप मैट बनाना चाहते हैं उतना बड़ा मैंने देखिए इस तरीके से रेक्टेंगल पीस उसमें से कट कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, एक तरफ से इसे बनाना शुरू करेंगे। तो ये सीधी तरफ है, इसे मैं नीचे की तरफ कर लेती हूँ और ये उल्टी तरफ, यहाँ पे हम इसे कतरनों से बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। तो कोई भी बेस ले लीजिए, जितना बड़ा आपने कारपेट बनाना है। शुरू करेंगे यहाँ से, किसी भी तरफ से आप शुरू कर सकते हैं। यहाँ पे इसे आपको रखना है इस तरीके से। तो पहले हम ये कॉर्नर वाली सिलाई लगा लेते हैं। सिलाई लगा ली, अब यहां से स्ट्रिप को कट कर लीजिए। तो जितनी भी स्ट्रिप आपको चाहिए उतनी रखते हुए एक्स्ट्रा स्ट्रिप को हम कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। तो ये मेरी एक रो, इसमें हमने इस तरीके से कपड़े को लगा लिया। अब आपको क्या करना है, इसे रखना है इसके ऊपर इस तरीके से, इस तरफ करते हुए यहां से, और हम यहां पे इसके सिलाई लगाएंगे। ये देखिए इस तरीके से। बस अब हमें इसी तरीके से इस पे कपड़े की पट्टी रखते रहनी है। अब हमने यहाँ पे इसे रख दिया दोबारा से, और यहाँ पे इस पे पूरे लंबाई में, इस पे यहाँ पे पूरी लंबाई में सिलाई लगा।
तो इस तरीके से देखिए बहुत ही खूबसूरत सा हमारा इसमें डिजाइन बनना शुरू हो गया। बस इसी तरीके से इसे पूरा फिल कर लीजिए। इस तरीके से देखिए ज्वाइन कर लिया। तो देखिए पास से देखेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा ये फ्रंट साइड, ये बैक साइड। देखिए बहुत ही सुंदर इसका इस तरीके से डिजाइन बनता है मल्टी कलर में। अगर आप चाहें तो यहाँ पे बीच में से सिलाई लगा के क्विल्ट करना चाहें तो यहाँ बीच में सिलाइयां भी लगा सकते हैं, तो ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो लगा सकते हैं। अब हम इसे साइडों से फिनिश करते हैं। तो साइडों से फिनिश करने के लिए देखिए मैंने स्ट्रिप्स ली हैं 1, 2, 3 और 4। तो चारों कॉर्नर्स को हम फिनिश करेंगे। फिनिश कैसे करना है, इसे रखना है इस तरफ उल्टी तरफ, यहाँ पे रखा, यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा लीजिए इस तरफ भी, और एक पट्टी रखनी है हमें इस तरफ छोटे वाली इस तरीके से। तो दोनों तरफ इस पे सिलाई लगा, ये देखिए ये दोनों तरफ मैंने सिलाई लगा ली। अब इसे दूसरी तरफ को पलटना है तो देखिए हमारी पाइपिंग सी बन जाएगी। इस तरीके से फोल्ड करते हुए इस पे और इस पे दोनों तरफ सिलाई लगा लीजिए, और जैसे पाइपिंग से यहाँ से फिनिश किया है वैसे ही इस तरफ से और इस तरफ से भी इसे पाइपिंग से, ये देखिए ये मैंने इसे साइडों से पाइपिंग से फिनिश कर दिया। तो देखिए इस तरीके से बिल्कुल रेडी हो गया है। देखिए मल्टी कलर में बना है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। देखिए इस तरीके से आप चाहे तो बीच में सिलाइयां लगा के इसे क्विल्ट भी कर सकते हैं, ये देखिए इस तरीके से। तो आप इस तरीके से इसे छोटे साइज में बड़े साइज में अपने अकॉर्डिंगली इसे बना सकते हैं। देखिए तो ये बिल्कुल रेडी टू यूज है, बिल्कुल रेडी हो गया। फ्रंट साइड, बैक साइड, और मशीन वॉशेबल है, आप इसे इजिली मशीन में वॉश भी कर सकते हैं। तो बिल्कुल रेडी हो गया है।